एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा दिल्ली का बेस्ट ऑफिस, साथ साथ मुंबई का बेस्ट ऑफिस। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे कर रहे थे, सर मुंबई दिल्ली का जो बेस्ट ऑफिस हो मुझे बताओ, जो नज़दीक पर हमारे ट्रैवल करने में अच्छा हो। तो चलिए वीडियो में आपको बताता हूँ एम्स इंटरनेशनल ऑफिस के बारे में, जो कि 31 ईयर्स 31 साल पुरानी ऑफिस है, ठीक सर। और मैं आपको साथ साथ बताऊंगा ये ऑफिस किस किस जगह पे, कहाँ कहाँ पे, किस किस लोकेशन पे, जो आपको नज़दीक पर है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं रोहित पंडित स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इनू हेल्प, जहाँ पे आपको सटीक और सही जानकारी विदेश जॉब एंड गल्फ जॉब से मिलेगी। साथ साथ आपको यूरोप जाने के लिए बेस्ट एजेंसीज के बारे में बताऊंगा, एंड गल्फ कंट्रीज़ का रिक्वायरमेंट, यूरोप कंट्री का रिक्वायरमेंट आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं एम्स इंटरनेशनल के लिए। एम्स इंटरनेशनल ऑफिस जो कि मुंबई का इसका हेड ब्रांच है सर, ठीक, हेड ब्रांच इनका मुंबई में है, और साथ साथ इनके मुंबई में ऑलरेडी 2 ब्रांचेस हैं एम्स इंटरनेशनल के। फिर हम आते हैं थोड़ा सा दिल्ली। दिल्ली में इनके ब्रांच हैं जो कि अच्छी ऑफिस के ब्रांचेस हैं, ये भी यहाँ पे दिल्ली में इन्होंने ब्रांच ओपन किया है। फिर वहाँ से थोड़ा दूर जब हम जाते हैं, वहाँ पे आता है हैदराबाद में एक ऑफिस, फिर इनका ब्रांच कुवैत में आता है, फिर एक कतर में आता है, फिर एक शारजा में है, फिर एक दुबई में है, ठीक सर, कोची में है, चेन्नई में इनके ब्रांचेज हैं। तो अच्छी ऑफिस के ब्रांचेस इस कैटेगरी में रहते हैं सर। साथ साथ चले मैं वीडियो में आपको बताना चाहूँगा किस किस कैटेगरी पे काम करवाती है। अगर आप ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट पे जाना चाहते हो तो उनके पास रिक्वायरमेंट होता है, साथ ही साथ गल्फ कंट्रीज़ में एंड यूरोप कंट्रीज़ का इनके पास रिक्वायरमेंट अपडेटेड होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो भाई मेडिकल लाइन से या हॉस्पिटल लाइन से जुड़े उनके लिए भी, जो स्किल में है यानी कि जो काम जानते हैं और जो काम नहीं जानते उनके लिए भी इनके पास रिक्वायरमेंट होता है सर। साथ साथ कंस्ट्रक्शन लाइन जो सिविल लाइन का काम होता है उनके भी काम इनके पास रिक्वायर अपडेटेड होता है। तो मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा और साथ साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप किस किस प्रिपरेशन से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सर चलिए वीडियो में बताते हैं पहले कंस्ट्रक्शन लाइन, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं। आप अगर हेल्पर हो या आप कारपेंटर हो या प्लम्बर हो या सिविल सर्जेंट हो या फिर आप स्टील फिक्सर हो या स्टील इरेक्टर हो, इनके पास रिक्वायरमेंट अपडेटेड होते हैं सिविल लाइन के। प्लम्बर जो काम जानते हैं, एसी टेक्नीशियन, एचवीएसी टेक्नीशियन जो काम जानते हैं, उनके लिए भी सब काम इनके पास रिक्वायरमेंट अपडेटेड होता है। साथ साथ अब बात करते हैं हॉस्पिटल लाइन की। अगर आप डॉक्टर हो या फिर आप नर्स हो, मेल एंड फीमेल में हो, या फिर आप ओटी का टेक्नीशियन हो, या फिर आप ओटी का जो टूल्स वगैरह होता है वो आप अरेंज करना जानते हो, या हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम जानते हो, या होटल मैनेजमेंट का काम जानते हो, आप इस ऑफिस अप्लाई कर सकते हो, एम्स इंटरनेशनल ऑफिस। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जिस फील्ड से भी हो आप अप्लाई कर सकते हो इस ऑफिस से, कोई तरह की दिक्कत परेशानी नहीं है। 31 ईयर्स 31 साल पुरानी ऑफिस है, मैं आपको बता दूँ, और अच्छी ऑफिस, अच्छी एजेंसीज है, तो आप इससे अप्लाई कर सकते हो। चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक और बात से बताना चाहूँगा, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट का मैंने बता दिया आपको, हॉस्पिटल का बता दिया मैंने आपको, मैंने कंस्ट्रक्शन का बता दिया। अब बात करते हैं पावर प्लांट। पावर प्लांट जिसको हम लोग हिंदी में थर्मल बोलते हैं, थर्मल प्लांट बोलते हैं। यहाँ पे अगर बिजली का काम जानते हो आप, तो आप बिजली काम के लिए अप्लाई कर सकते हो। फैब्रिकेटर, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फोरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या QC के लिए अप्लाई कर सकते हो, सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो सर। आपके ट्रेड के हिसाब से इनके पास रिक्वायरमेंट अपडेट होता है, पर डे इनके पास रिक्वायरमेंट आता है। हम बात करते हैं मुंबई के ऑफिस के बारे में। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो मुंबई का एड्रेस है, जो अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ दिल्ली का ऑफिस का एड्रेस। आप अधिकांश लोग कमेंट्स करते हो सर दिल्ली का ऑफिस के बारे में बताओ, दिल्ली का मैंने आपके साथ स्क्रीन पर शो कर दिया ऑफिस का एड्रेस, आप दिल्ली का भी देख सकते हो सर। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग कोची से मेरी वीडियो को देखते हो, तो उनके लिए मैं अपने स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। हैदराबाद से आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, हैदराबाद से मैं अपडेट कर रहा हूँ सर। साथ साथ मैं इस ऑफिस का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक सर, लोकेशन सर डाल दूँगा। ऑल ट्रेड के इनके पास रिक्वायरमेंट हो तो कोई तरह की दिक्कत परेशानी नहीं है सर आपके पास, आप ऑफिस अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्विस चार्ज की। तो सर्विस चार्ज सर मैं आपको बता दूँ, एजेंट बहुत सारे बाहर में होते हैं, बस आप एजेंट को इग्नोर करना, सीधा रिसेप्शन काउंटर पर जाना, सीधा बात करना फेस टू फेस, आपका सर्विस चार्ज कम में लगेगा, ठीक सर। बस आपको एजेंट को नहीं पकाना, क्योंकि जिस टाइम आप ऑफिस जाते हो तो बहुत सारे उधर एजेंट खड़े होते हैं कि सर मैं आपका काम करवा दूंगा, इतने रुपये लूँगा, सर मैं आपका काम करवा इतने रुपये लूँगा। होता है कि आपका पासपोर्ट CV रख लेता है, उसके बाद वो आपको बहुत दोहराता है, आज इंटरव्यू, कल इंटरव्यू, परसों इंटरव्यू, तरसों इंटरव्यू, जबकि इंटरव्यू का डेट अभी तक क्लियरेंस नहीं होता है। वो सिर्फ ऑफिस को पता होता है कि इंटरव्यू किस डेट को होगा, लेकिन वो आपको दोहराएगा, 2-4-10 दिन दोहराएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, पासपोर्ट रख लिया, इतने पैसे लूँगा तो मैं आपको पासपोर्ट रिटर्न करूँगा, नहीं तो आपको पासपोर्ट नहीं दूँगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सीधा आप ऑफिस जाएँ,
ऑफिस से बात करें। मैं आपको हर हमेशा हर ट्रैक से समझाता हूँ कि जो ऑफिस आपको सटीक जानकारी देगा आप उसी से काम करवाएं, क्योंकि दिल्ली में अधिकांश 420 बहुत ज़्यादा दिल्ली में हो रहा है। मैं बहुत बार सुनता हूँ, मेरे कमेंट्स भी आते हैं, सर दिल्ली में मेरे इतने पैसे डूब गए हैं, दिल्ली में इतने पैसे मेरे साथ बर्बाद हो चुके हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मैं हर एक कमेंट्स को आप लोग को देखता हूँ। आप जैसे भी ऑपरेटर हो, बबकेट ड्राइवर हो या ट्रक ड्राइवर हो, आप किसी भी फील्ड में नहीं बढ़ी, इनके पास रिक्वायरमेंट आता, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस ऑफिस अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर। ये ऑफिस के बारे में जो मैंने बताया आपको, एम्स इंटरनेशनल ऑफिस ह्यूमन रिसर्च, अच्छी ऑफिस है, पुरानी एजेंसी से आप इससे अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है सर। लास्ट में आपको ये बात बोलना चाहूँगा, सरल जाएँ, सुरक्षित जाएँ। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पहली बार आया हो तो प्यारा से एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, आप जिस फील्ड से शेयर करना चाहते हो सर, जिस फील्ड से भी, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस तरीके से आप शेयर करना चाहते शेयर कर दो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, बहुत जल्द मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पे भी ऐड कर दूंगा, ताकि आपको मेरे से बात करने में सहूलियत मिले सर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। तो आप एम्स ऑफिस के इंटरनेशनल बारे में जान गए हो कि कैसी ऑफिस है, और मैंने आपको पूरी सटीक जानकारी दी, तो आपसे विनती यही है कि आप इस ऑफिस अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक सेफ रहो, सुरक्षित रहो और अच्छा।